निजी स्कूल के शिक्षक द्वारा छात्र को जाति सूचक शब्द कहने का मामला गरमाया। 36 बिरादरी के लोगों में रोष, पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई ना किए जाने के विरोध में आज 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर जिला उपायुक्त से मिले। जिला उपायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो यह रोष प्रदर्शन एक उग्र आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। लोगों ने कहा कि एक शिक्षक द्वारा इस प्रकार के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना बड़ा ही निंदनीय है। लोगों ने कहा कि इस शिक्षक के खिलाफ स्कूल प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे रोष रूप आज जिला उपायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई कि इस मामले में उचित कार्रवाई करवाई जाए, अन्यथा ये रोष प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। सर, मैं आप डीसी साहब से उम्मीद लेके आई हूँ, वो जरूर हमारा कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। और सर, अब तक मेरे पास कोई पुलिस प्रशासन का कोई नाम नहीं था, ये झूठी अफवाह थी कि उन्होंने तो कंप्लेंट वापस ले ली, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। प्रिंसिपल और चेयरमैन के ऊपर मैं ये बोलती हूँ, टीचर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे स्कूल नहीं चलाने चाहिए जैसे वो चला रहे हैं। मेरे साथ आज पूरे समाज, मेरे लोग सब यहाँ जुड़ रहे हैं, हर जाति के हैं इसमें, वो जाति के ऊपर बात आ रही है, जाति के भी हर जाति के लोग हैं। तो ये चीज़ें मिटाई जाए ना कि भाई जाति के ऊपर। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वहाँ पे उन मैडम ने किसी ने बोला है वो कि यादव बात कर रहे हैं कि मैडम ये नीच जाति के लोग हैं, ये लास्ट में आके ये अपनी जाति के ऊपर आ जाते हैं। सर, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा, ये गलत बात है उन लोगों की। मैंने अपने बच्चे के लिए कर रखा है, मैंने दो और बच्चों के लिए कर रखा है, भाई ऐसे मत पिटो। मैं तो मेरे बच्चों को दूसरी जगह कर देती, लेकिन वो नीच जाति और कह रहे हैं सर हमें। और वो आ रहे हैं सर हमारे घर पे, चेयरमैन सर आए थे, मैडम आई थी, वो बोल रहे हैं कि मैडम हम मानहानि का केस कर देंगे। सर, कौन सा मान ले लिया आपका सर ऐसा, मतलब बच्चों को पीटो और ऊपर से फिर सिनाजोरी भी करते हो हमारे साथ। और एक और आए हैं मेरे साथ, उनके बच्चों को भी 2022 में इतना ही पिटा गया था, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, उन्होंने हंगामा किया था। तो पहले वो मेरा बेटा, आज मेरा बेटा, पिछले साल उनका बेटा था, अगले साल और बेटे हैं, ऐसे कब तक चलेगा? डीसी साहब ने दिया है कि भाई एक बार मैं करूँगा, जितनी मेरी कार्रवाई हो सकती है मैं करूँगा सर। एक बार एसपी साहब से और मिलेंगे, अभी एसपी साहब भी नहीं मिले हैं एसपी साहब से। अभी ये टैगोर पब्लिक स्कूल का मामला है जिसमें एक FIR थाना रामपुरा में दर्ज हुई थी, और उस FIR को दर्ज होने के बाद में पीड़ित परिवार से कोई भी पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार से नहीं मिला है। अभी हम इस मामले में डीसी साहब से मिले हैं, डीसी साहब ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी विभागीय कार्रवाई है, जो डीसी साहब के जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है उस पर वो पूरी कार्रवाई करेंगे। पिछले साल मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मारपिटाई की थी टीचर्स ने, और टैगोर पब्लिक स्कूल में हुआ था। हमने इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को की थी और जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उनको की थी, तो वो बोलते हैं कि बच्चे की गलती होगी, बच्चा पढ़ता नहीं है या बच्चे ने कुछ किया होगा। तो हमने जाके वहाँ पूरा उनको समझाया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, पेपर भी निकलवाए बच्चे के, तो बोले कि बच्चा तो इंटेलिजेंट है। तो जो प्रिंसिपल मैम है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती, वो उल्टा ब्लेम करती है, पेरेंट्स को ब्लेम करती है या बच्चे को कि ये नालायक है, ये शरारत करता होगा या ऐसा कुछ। तो हमने यहाँ पे तो ऐसे ही पिटाई की जाएगी बच्चों की। कंप्लेन नहीं की सर हमने, हमारे घर के बड़े बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं रहने दो, हाँ स्कूल से ही निकाल लिया हमने, बच्चे का स्कूल चेंज करवा दिया। ये जो बच्चा था इसकी बेरहमी से पिटाई की है टैगोर स्कूल के प्रशासन के खिलाफ, आज हम कार्रवाई की मांग करने यहाँ डीसी साहब और एसपी साहब के पास आए थे। लगातार आश्वासन तो मिल रहा है हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। पिछले साल का भी टैगोर स्कूल का ही एक ऐसा ही एक और केस था। तो हम पुलिस प्रशासन से, डीसी साहब से यही अपील करते हैं कि बार बार अगर एक स्कूल से हर साल ऐसे ही होता जा रहा है तो उस स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में
किसी भी समाज के बच्चे के साथ ऐसा दोबारा ना हो। और जाति सूचक शब्द तो बिल्कुल हम रेवाड़ी के स्कूलों से ये कहना चाहेंगे कि अगर कभी भी हमारे बच्चे के साथ जातीय भेदभाव हुआ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड सड़क पे आ बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, हम सब महिलाएं भी उनके साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। तो SP साहब और DC साहब से लास्ट फिर यही एक आवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई करें और हमें न्याय मिले। रेवाड़ी का भाई MLA, ये प्रण करता हूँ कि ये जो ये जो हो रहा है, ये स्कूल के साथ ये दुर्व्यवहार, जो स्कूल वाले स्कूल का संचालक, स्कूल की स्कूल खत्म हो जाएगी, और ये जनता जो है, सारी जनता, सारे समाज एक साथ है, ये स्कूल चलेगी नहीं। ये DC साहब को, SP साहब को, दोनों को मैं कह रहा हूँ, ये या तो इस मामले को तुरंत कार्रवाई करें, अदरवाइज ये ठीक नहीं रहेगा। ये सारी जनता यहाँ सामने धरना देगी और ये करना पड़ेगा। ये जो है जातिवाचक शुद्ध, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत बोला। ये जातिवाचक नहीं है, ये डॉक्टर अम्बेडकर की नगरी है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नियम कानून बनाया है, ये सब एक साथ बन के चलेंगे। और आप सबसे गुजारिश यही है, इसका साथ दिया जाए।